रायबरेली में नैतिक पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है। नैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मतदाताओं के पास जाकर कांग्रेस को मतदान करने का आग्रह किया। नैतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय द्विवेदी ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव के साथ मिलकर शहर में घूम घूम कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को आगे बढ़ा सकती है, जिले का विकास कर सकती है और किसी पार्टी में इच्छा शक्ति नहीं है कि वह रायबरेली का विकास कर सके। उन्होंने रायबरेली में लगी फैक्ट्री का भी जिक्र किया कि ये सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस के द्वारा लगाई गई हैं। अपना परिचय बताइए। धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली। किस पार्टी की तरफ से आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं? कांग्रेस बताया है तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुँचाने का जो अभियान तय किया गया है उसी के तहत आज हम लोग प्रगतपुरम वार्ड नंबर 17 में ये हम लोग घोषणा पत्र लेके आए हैं और सबके बीच में अब कांग्रेस की बात रख रहे हैं, युवाओं की बात रख रहे हैं, महिलाओं की बात रख रहे हैं, श्रमिकों के लिए जो व्यवस्था कांग्रेस ने बोली है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। हिस्सेदारी न्याय, समाज में सबको बराबरी का दर्जा देने का जो कांग्रेस ने बात कही है और उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। जो युवाओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने दी है उसके लिए भी प्रचार प्रसार में हम लोग बातें कह रहे हैं। एजुकेशन लोन माफ़ करने की बात कर रहे हैं और प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को अलग से एक लाभ देने की बात जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जहां महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जब चरम पर हो, देश की जनता त्राहिमाम कर रही हो और मोदी सरकार तमाम तरह के अच्छे वादे करने के बावजूद उस पर पूरी तरह विफल हो गई हो, 10 साल में जनता को कटोरा पकड़ाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।